हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट, एक्मास्क्रिप्ट, ES5, ES6, ES2015, ES2016, ये सब क्या हैं, ये सेम हैं या डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट हैं तो क्यों हैं, अगर सेम हैं तो इन्हें डिफरेंट डिफरेंट नामों से क्यों जाना जाता है। ओके, तो इन सब के बारे में बात करेंगे और इसको जानने के लिए हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री से। ओके, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री मालूम होगी तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये सब चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग नामों से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं 1995 से। 1995 में जो सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र था वो था नेटस्केप नेविगेटर। उस समय बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे नेटस्केप नेविगेटर। और नेटस्केप नेविगेटर को क्या चाहिए था, नेटस्केप नेविगेटर को कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो कि काफ़ी सिंपल हो और जिसकी हेल्प से हम अपने वेब पेजेस में इंटरैक्टिविटी को ऐड कर पाएँ। ओके, तो नेटस्केप नेविगेटर के लिए काम कर रहे थे ब्रैंडन आयक, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया केवल 10 दिनों में। ओके, उन्होंने पूरी जावास्क्रिप्ट को बनाया केवल 10 दिनों में 1995 में। और जावास्क्रिप्ट का सबसे पहले जो नाम था वो था मोका। उसके बाद मोका से नाम चेंज करके किया गया लाइव स्क्रिप्ट। पर उस समय जो सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी जावा। उन्होंने सोचा इसकी मार्केटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइव स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वो चाहते थे जिन लोगों को जावा के बारे में मालूम हो उन लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में भी पता चल जाए। ओके, तो जावास्क्रिप्ट नाम रख दिया गया। पर जावा और जावास्क्रिप्ट कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट आई और सबसे पहला वर्जन कितने दिन में आया, केवल 10 दिनों में। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने स्टार्ट हुए। पर हुआ क्या, उस समय एक और वेब ब्राउज़र था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की कॉपी की, कुछ फीचर्स कॉपी किए और अपनी खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी वेब पेजेस में इंटरैक्टिविटी ऐड करने के लिए, जिसका नाम उसने रख दिया जेस्क्रिप्ट। ओके, तो अभी क्या हो चुका था, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो चुकी थी 1996 तक, एक थी जावास्क्रिप्ट और एक थी जेस्क्रिप्ट। बट प्रॉब्लम क्या थी, नेटस्केप में यूज़ हो रही थी जावास्क्रिप्ट और इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज़ हो रही थी जेस्क्रिप्ट। और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई हम जैसे लोगों के लिए। वो प्रॉब्लम क्या थी, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है और मुझे उसे इंटरैक्टिव बनाना है। ओके, अगर मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट केवल नेटस्केप नेविगेटर में अच्छी दिखेगी, और अगर मैं जेस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर में अच्छी दिखेगी। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं क्या करूँगा, केवल एक ही वेब ब्राउज़र के लिए अपनी वेबसाइट बनवाऊँगा। ओके, तो उस समय लोगों ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया था अपनी वेबसाइट में कि मेरी वेबसाइट नेटस्केप नेविगेटर में अच्छी दिखेगी या मेरी वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर में अच्छी दिखेगी। ओके, और जावास्क्रिप्ट को खतरा हो चुका था कि माइक्रोसॉफ्ट की जेस्क्रिप्ट ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए और हमारा आधा क्रेडिट वो ना ले जाए। ओके, और इससे नॉर्मल लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो किया क्या, जावास्क्रिप्ट को लेके गए एक्मा के पास। एक्मा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। मतलब वो डिसाइड करती है कि ये टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करेगी, इस तरह से बिहेव करेगी, इस टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ओके, उन्होंने क्या किया, एक्मा ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को देखते हुए स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। ओके, उन्होंने क्या किया कि कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी जो वेब ब्राउज़र में काम करेगी वो इस तरह से बिहेव करेगी। आप अपनी मर्जी से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं बना सकते, अगर आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनानी है तो उसमें ये रूल फॉलो होने चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सब था। तो एक्मा का जो डॉक्यूमेंट है 262, उसमें सारी की सारी स्पेसिफिकेशन डिफाइन की गई है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसे बिहेव करेगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये फीचर होना चाहिए, ये फीचर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें डिफाइन की, क्रिएट की एक्मा ने, उसको बोल दिया एक्मा स्क्रिप्ट। ओके, जहाँ पे हमने लिखा है, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखी गई है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस तरह से काम करेगी, वो जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते थे उसको। जावास्क्रिप्ट एक्मा ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो ट्रेडमार्क था वो था ओरेकल के पास, तो कॉपीराइट इश्यूज से बचने के लिए उसने उसका नाम एक्मा स्क्रिप्ट रख दिया। बट चीज़ सेम है, मतलब कि हर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अब सेम ही तरीके से काम करेगी। ओके, मतलब अगर आपको भी अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनानी है तो आप क्या करोगे, आप पहले ये डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, ये फीचर होने चाहिए, इस तरह से बिहेव करेगी। इसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना सकते हो, वरना आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं चलेगी। ओके, तो ये है एक्मा स्क्रिप्ट।
आई होप आपको पता लग चुका होगा एक्मा स्क्रिप्ट क्या है। ओके उसके बाद क्या हुआ, एक्मा स्क्रिप्ट वन मतलब कि जो पहली प्रॉपर स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस आई थी जो एक्मा की तरफ से, वो आई थी 1997 में। और उसके बाद ES1 को फिर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया डिफरेंट ब्राउजर्स ने, और अब हम जैसे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी कि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर यूज़ करेंगे तो उसकी इंप्लीमेंटेशन सेम होगी डिफरेंट ब्राउजर्स में, तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात थी ये। ओके उसके बाद ऐसे ही ES1 आया, फिर ES2 आया, ECMAScript 2, ECMAScript 3। ओके ऐसे करते करते ES5 आया 2009 में, जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स आए और जिसके बाद जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी, लोगों को काफ़ी पसंद है जावास्क्रिप्ट। 2009 में आया ES5। ओके ES5 के बाद ES6 आया 2015 में, और वो सबसे बड़ा अपडेट था जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके सबसे बड़ा अपडेट कब आया जावास्क्रिप्ट का, 2015 में, जिसको हम बोलते हैं ES6। ओके ES6 के बाद हम जावास्क्रिप्ट को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ओके अगर आप बोलेंगे कि मैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि जो अपडेट जावास्क्रिप्ट का 2015 में आया था, मैं वहाँ से जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके तो सबसे बड़ा अपडेट था 2015 में, और 2015 में क्या हुआ, और भी बहुत चीज़ें हुई। और सबसे पहले बात करते हैं एक कम्युनिटी की, ठीक है। ECMA के पास एक टेक्निकल कम्युनिटी है, टेक्निकल कम्युनिटी 39, जिसको हम TC39 भी बोलते हैं। उस कम्युनिटी में क्या है, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग मिल के क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या फ़ीचर होना चाहिए, क्या फ़ीचर नहीं होना चाहिए। ओके 2015 से पहले क्या था, कोई नए फीचर आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, कई सालों बाद आ रहे हैं। ओके बट 2015 में ये डिसाइड हुआ कि अब से हम हर साल जावास्क्रिप्ट के नए फीचर्स को रिलीज़ करेंगे, एनुअल रिलीज़ होगा जावास्क्रिप्ट का। ओके तो ये डिसाइड किया गया, और जो उनकी कम्युनिटी थी TC39, उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर साल 6 मीटिंग रखेंगे, हर 2 महीने में एक मीटिंग, और उन मीटिंग्स में हम डिसाइड करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ये फ़ीचर होना चाहिए या ये फ़ीचर नहीं होना चाहिए। ओके और किसी भी फीचर को ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट के, उसको गुजरना पड़ता है 4 स्टेजेस से, जिसमें वो चेक करते हैं कि ये फ़ीचर क्या बेनिफिट देगा, इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्या प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या सोल्व हो सकती है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। और ये 4 स्टेजेस में होके निकलती है हमारी कोई भी नया फीचर होता है, और 4th स्टेज के बाद वो आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑफिशियली। ओके और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स पहुँच चुके हैं, कौन कौन से फीचर्स आ चुके हैं। ओके और उसके बाद क्या करते हैं, ब्राउज़र इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है उन फीचर्स को। ओके तो ये सब होता है उसके बाद। और 2015 में जब ये डिसाइड हुआ कि अब से एनुअल रिलीज आए करेंगे, तो तब से ऑफिशियली इसका नाम था जो ES1, ES2 वो नहीं रहा, अब ऑफिशियली जो नेम है वो है ES2015, ES2016, ES2017, ताकि लोगों को पता रहे कि ये जो फीचर है वो 2018 में आया था, या फिर 2019 तक जो फीचर आ चुके हैं वो हैं जावास्क्रिप्ट के, तो इसलिए ऑफिशियल नाम जो है वो है ES2015, ES2016। ओके बट लोगों को आदत है ES5, 6, 7 बोलने की, तो वो भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जावास्क्रिप्ट की एक और बात क्या है, वो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। जावास्क्रिप्ट बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब जो फीचर जावास्क्रिप्ट का 20 साल पहले लिखा गया था वो आज भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो आउटडेटेड हो चुका है, वो ब्राउजर्स में आज भी काम करेगा। और इसमें एक और चीज़ क्या है, वो है जावास्क्रिप्ट फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं है। फॉरवर्ड कंपैटिबल का मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल कोई फीचर मैंने आज लॉन्च किया जावास्क्रिप्ट में, ओके कोई फीचर आज रिलीज़ किया मैंने जावास्क्रिप्ट में, क्या वो फीचर मैं आज से 10 साल पहले चला पाऊँगा पास्ट में जाके, नहीं चला पाऊँगा। ओके बट ऐसा सोचिए कि मैंने जावास्क्रिप्ट में एक फीचर रिलीज़ किया है आज, ठीक है, और कोई आदमी कोई इंसान यूज़ कर रहा है बहुत पुराना ब्राउज़र, उसने ब्राउज़र अपडेट ही नहीं किया, 10-15 साल हो चुके हैं उसने अपना ब्राउज़र कभी अपडेट ही नहीं किया। ओके तो उसके ब्राउज़र में वो काम नहीं करेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास, और वो सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं, उसको समझते हैं। देखिए हम करते क्या हैं, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखते हैं मॉडर्न। ओके मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट यूज़ करके कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो हम मॉडर्न कोड लिख के बनाएंगे। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंपाइलर है हमारे पास स्पेशल तरह का जिसका नाम है बैबल,
वो क्या करेगा, हमारे फॉर एग्जांपल हमने ES2018 का कोड लिखा है यहाँ पे, वो क्या करेगा, उसको ट्रांसपाइल कर देगा ES5 में, जो जावास्क्रिप्ट आई थी 2009 में उसमें चेंज कर देगा, उसमें ट्रांसपाइल कर देगा और फिर ब्राउज़र में रन होगा वो। ओके, तो इससे क्या होगा, जो पुराने ब्राउज़र थे उसमें भी वो चीज़ काम करने लग जाएगी। ओके, तो हम कुछ इस तरह से काम करते हैं, हम सीखते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, उसके बाद उसको ट्रांसपाइल कर देते हैं हम बैबल को यूज़ करके, उसके बाद बैबल से क्या होता है, वो मेजोरिटी ऑफ द ब्राउज़र्स में वो चीज़ हमारी काम करती है और हम इजीली अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट के ये नाम क्यों हैं और बैबल हमारे लिए क्या काम करता है। ओके, तो बैबल क्या करेगा, हमारे कोड को कंपैटिबल बनाएगा पुराने ब्राउज़र्स के लिए भी। और जैसे हम बात कर रहे थे ES 2015, ES 2019, एक है हमारे पास ES Next। ES Next क्या होता है, फॉर एग्जांपल कुछ फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 4 में पहुँच चुके हैं, तो ऑफिशियल रिलीज से पहले ही ब्राउज़र क्या करते हैं, उनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि क्योंकि ब्राउज़र्स को पता है कि ये फीचर्स आने वाला है, ये फीचर हमारा स्टेज 4 तक पहुँच चुका है या स्टेज 3 से आगे जा चुका है, तो क्या करेंगे, वो पहले इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बैबल क्या करेगा, उनको भी ES5 में चेंज कर देगा, मतलब आप प्रॉपर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं बिना कंपैटिबिलिटी इश्यूज की चिंता की है। ओके, आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कोड आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो ये था जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है और ये सब नाम क्या है, ES5, ES6, ES2015, ES2016। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन।